ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। वेस्ट दिल्ली ने स्टार अमेजिंग एंड पैक लैब्स के साथ मिलकर सीएमई गेट टुगेदर का आयोजन वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर के द पार्क रॉयल बैंक्वेट में किया, जिसमें वेस्ट दिल्ली से आयुर्वेदा और यूनानी डॉक्टर्स बड़ी संख्या में शामिल हुए। डॉक्टर समीर सूद ने डॉक्टर्स को संबोधित किया और पैट लैब्स के क्षेत्र में आए नए अनुसंधानों के बारे में बताया। इस अवसर पर कुछ आयुर्वेदा और यूनानी डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सीएमई गेट टुगेदर का विषय डिसीजन मेकिंग इन सिलेक्शन ऑफ इमेजिंग मेडिलिटेट्स था, जिस पर पैनल ने चर्चा की। इस अवसर पर दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद के इलेक्शन 2017 के पैनल कैंडिडेट्स ने भी अपनी बात रखी। पैनल की आयुर्वेदा डॉक्टर डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर नरहरि विष्णु शर्मा, डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कौशिक, डॉक्टर नीरज कुमार शर्मा, डॉक्टर गौतम मान और यूनानी डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद एजाज, डॉक्टर अदनान सईद खान, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने अपने इलेक्शन एजेंडा और कार्यक्रम के बारे में बताया। स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब की समीर भाटी ने सभी डॉक्टर्स का अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर युवराज कुमार त्यागी, फाउंडर पैटर्न IMA आयुष, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद 2000 से इसकी स्थापना हुई है और 2001 से 2004 तक मैं उसका फाउंडर चेयरमैन रहा हूं। मेरे बाद में डॉक्टर चंद्रकेतु तेवतिया इसके चेयरमैन बने और तीसरी बार डॉक्टर RS चौहान इसके बने। ये गर्व का विषय है कि सब कैंडिडेट्स जो वहाँ चेयरमैन बने वो IMA आयुष के कैंडिडेट थे। दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का कार्य दिल्ली में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले या सर्विस करने वाले लोगों को पंजीकृत करना है। दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद एक संवैधानिक संस्था है, जिसका दिल्ली विधानसभा के फ्लोर पे गठन हुआ है और गवर्नर के द्वारा ये अधिसूचित की गई है। दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का कार्य एकमात्र एक दिल्ली में पंजीकृत और इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स को पंजीकृत करके चिकित्सा व्यवसाय कराना है। हम क्वैकरी को खत्म करना चाहते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स या वो लोग जो किसी भी संस्था से नहीं पढ़े हैं या किसी भी सरकारी संस्था से पंजीकृत नहीं है, उन्हें दिल्ली में चिकित्सा व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, दिल्ली में कई सरकारें आई गईं और ये प्रयास किए गए कि एक एंटी क्वैकरी बिल लाया जाए, परंतु वो बिल सदा विवादों के घेरे में रहा और कभी भी वो अपना मूर्त रूप नहीं ले सका, जिसके अभाव में हम दिल्ली से क्वैकरी को पूर्णतया समाप्त नहीं कर सके हैं। दूसरा, न्यायपालिका में हमारे जजिस के अभाव के चलते या वर्कलोड के चलते जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि मुझे याद है कि मैंने 2002 में 300 के करीब केसेस क्वैक्स के खिलाफ कोर्ट में दिए थे। उसके बाद भी मेरे जो आते रहे हैं चेयरमैन, सभी ने कोर्ट में केस दिए हैं। उन 2002 के केस में मैं 2015 तक विटनेस के लिए अभी तक कोर्ट में बुलाया जाता हूं। 15 साल जिनका फैसला ना हो सके तो वो स्वच्छंद हैं दिल्ली में क्वैकरी को बढ़ावा देने के लिए। न्यायपालिका या तो तीव्रता से कोई काम करे या कोई विशेष अदालत सरकार हमें प्रोवाइड करे परिषद को, जिससे कि हमारे केसेस का फैसला जल्दी हो सके और हम एक स्वच्छ दिल्ली में चिकित्सा व्यवसाय करा सके। देखिए साहब, मेरे पैनल में डॉक्टर AK सिंह हैं, डॉक्टर नरहरि विष्णु शर्मा हैं, डॉक्टर प्रभाकर हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कौशिक हैं, डॉक्टर नीरज कुमार शर्मा हैं और डॉक्टर गौतम मान हैं।
ये 7 कैंडिडेट एडवेस से आते हैं और 3 कैंडिडेट डॉक्टर आजाज, डॉक्टर अदनान सईद खान और डॉक्टर इफ्तिकार अहमद, ये यूनानी के कैंडिडेट हैं। मैं इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद से जो रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि जैसी स्वच्छ परिषद पिछले 12 वर्षों में दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद के चेयरमैन और टीम ने दी है, हम उससे भी और सशक्त और स्वच्छ परिषद देने के इच्छुक हैं। मेरे कैंडिडेट्स को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। आप कितने आशावान? मैं 101% आशावान हूं, क्योंकि दिल्ली का वो समाज अच्छी तरह से जानता है कि 35 वर्षों से आईएम आयुष के माध्यम से हमने जो समाज की सेवा की है उसे लोग भुला नहीं सकते। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर शर्मा, एक्स मेंबर दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद, प्रेजेंट प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आयुष, पिछले 3 वर्षों से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कार्रवाइयां मैं संचालित कर रहा हूं और दिल्ली प्रदेश के लिए कार्य कर रहा हूं। दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद के चुनाव की घोषणा सरकार ने देर से की, पिछले 1.5 वर्षों से हम इसका इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे रजिस्ट्रार और हमारे डायरेक्टर महोदय इसको सूचना को जारी करें। उनकी सूचना जारी होने से पहले ही करीब करीब हम लोगों ने इलेक्शन की तैयारियां पूरी कर ली थी। अपने सभी ईमानदार जुझारू कर्मठ कार्यकर्ताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है, अलग अलग क्षेत्र से यंगेस्ट से लेकर सीनियर मोस्ट कैंडिडेट हमारे इसमें हमने उतारे हैं इलेक्शन के लिए, जिसमें अदनान सईद खान हमारे सबसे कम उम्र के उम्मीदवार लेकिन सबसे ज़्यादा जुझारू लड़ाका, संगठन के लिए काम करने वाला, समाज की अधिकारों की लड़ाई में सबसे बढ़ चढ़ कर आगे काम करने वाला और हमारे सबसे वरिष्ठ डॉक्टर ए के सिंह साहब, जो आपके उत्तम नगर से ही हमारे उम्मीदवार हैं। उन्होंने पिछले 35 वर्षों से संगठन के लिए जो कार्य किए हैं, हमारे को पहले हमें दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का उन्होंने इलेक्शन लड़वाया, हमें जितवाया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस उम्मीदवार से हम सबसे ज़्यादा मतों की गिनती की उम्मीद करते हैं कि पूरा उत्तम नगर, नजफगढ़, द्वारिका क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट डॉक्टर ए के सिंह साहब को ही मिलने वाले। सर, आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है हमारे अधिकारों की लड़ाई। हमारा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस राइट हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हमारा जो मेन मकसद है दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद जाने का, हमारा एक्ट और रूल्स हमें इस अधिकार के तहत प्रैक्टिस करने का अधिकार देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में कुछ लोगों की मिली भगत से हमारे अगेंस्ट डिसीजन आया जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। डॉक्टर सालवे जी, हमारे एडवोकेट सालवे हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और उन्होंने आज हमें इस स्टेज में पहुंचा दिया है कि हम अपने अधिकारों की, अपने दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद एक्ट एंड रूल्स की रक्षा करने में सक्षम है और उन्हीं रूल्स और एक्ट और रूल्स की रक्षा करने के लिए हमने ये सभी 10 उम्मीदवारों को आज अपने इस चुनावी समर में समर्पित किया है, झोंक दिया है। हर एक उम्मीदवार दिन रात 24 घंटे तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ रहा है और सिर्फ एक उद्देश्य कि हमारे हर चिकित्सक का जो इंटीग्रेटेड राइट है, मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के तहत कार्य करने की जो उसको भारत दिल्ली सरकार ने जो उसको एक अधिकार दिया हुआ था, शीला जी के जमाने से हमें ये मिला हुआ है। हर्षवर्धन जी जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे तब ये एक्ट बना, उसके बाद डॉक्टर ए के वालिया साहब जब आए तब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बने। आज अपोजिशन IMA DMA की लॉबी कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी करके हमारे को ये जताना चाहती है कि आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम ही सर्विस प्रैक्टिस के ठेकेदार हैं। आज हम उन्हें इस खुले मंच से आवाज देते हैं कि आप रोक सके तो रोक लो, ये 10 शेर आए हैं आपकी नैया को डुबो के आगे जाएंगे। मैं समीर भाटी, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब में हेड ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ। इंटीग्रेटेड मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन बेसिकली BMS डॉक्टर्स को कैटर करता है। स्टार इमेजिंग काफी प्रोग्राम करता है जो कि IMA वेस्ट टाउन के साथ करता है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ करता है और भी अदर कई ऑर्गेनाइजेशन है, पर इस तरह का प्रोग्राम अभी पहले काफी सालों के बाद हमने ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम में जो मुख्य विशेषताएं रही हैं, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी के डॉक्टर समीर सूद, जिनको कि पिछले 30-40 साल का एक्सपीरियंस है रेडियोलॉजी के अंदर, उन्होंने काफ़ी अच्छा साइंटिफिक सेशन लिया और वो बिल्कुल उन्होंने सिंप्लीफाई करके जो अभी एडवांसमेंट आए हैं रेडियोलॉजी में और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में, वो उन्होंने BMS डॉक्टर्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया, तो काफ़ी अच्छी गैदरिंग हुई है। डॉक्टर्स की संख्या भी काफ़ी
हॉल खचाखच भरा हुआ रहा था, तो प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और आज का जो सेशन था उसके बारे में कुछ बताएं। आज के सेशन के अंदर जो स्पेसिफिकली डॉक्टर सूद ने जो बताया कि डॉक्टर्स को बेसिकली बीएमएस डॉक्टर्स को मुश्किल आती है कि किस तरह के पेशेंट में क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, तो वो उन्होंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताया कि हेड से टो तक हमारे कहाँ पर किस तरह के केसेस में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेशन था और काफ़ी उसका फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने उस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय किया और उसको काफ़ी सराहाया। इलेक्शन तो एक एजेंडा था ही साइंटिफिक सेशन के साथ साथ, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा जिसके अंदर पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। इस बार जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉमिनेट जिन्होंने किया है, वो भी काफ़ी अच्छे काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर सुटेबल है क्योंकि वो इस एरिया में स्पेसिफिकली काफ़ी सालों से हम उनको देख रहे हैं। तो वो भी, उनके लिए भी हम बेस्ट विशेस देते हैं स्टार इमेजिंग की तरफ से। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना है कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम और जो आईएमए वेस्ट टाउन और आईएमए जनकपुरी के प्रोग्राम होते हैं उनके साथ साथ हम आईएमए आयुष के प्रोग्राम भी कराते रहेंगे। ये तो स्पेसिफिकली वेस्ट दिल्ली ब्रांच के लिए था, पर और भी जो ब्रांचेज है ऑल ओवर दिल्ली स्टेट की जो ब्रांचेज है उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहें, क्योंकि स्पेसिफिकली ये वाली एक ऐसी ब्रांच है जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हम कह दें कि नेग्लेक्टेड है और इनको, तो हम कोशिश करेंगे कि आजकल वैसे भी आयुष डिपार्टमेंट में काफ़ी चीज़ें हो रही है तो हम इसमें और भी इनके इस तरह के कंटिन्यूस प्रोग्राम कराते रहेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे आयुष से जो भी आए थे उन्होंने बहुत ही पेशेंसफुली पूरा साइंटिफिक सेशन को इन्जॉय किया, सुना, और उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है कि इस तरह के प्रोग्राम हम पूरा दिल्ली स्टेट के लेवल पर कराते रहें। हाँ, आयुर्वेदा बिल्कुल आजकल बहुत ज़्यादा लुप्त होता जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एलोपैथी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स को लेके और उसको, तो हमारा भी मेन ये मोटिव है कि हाँ, हम आयुष को और आयुर्वेद डिपार्टमेंट को और इन सबको, स्पेसिफिकली बीएमएस डॉक्टर्स को और हम ज़्यादा प्रमोट करें। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।